तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ तो गाइस, जैसे कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को स्कूटी चलाना सिखाया था, तो उस वीडियो में मैंने कुछ बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जो कि मैंने आप लोगों को नहीं बताए थे। तो ये वीडियो उसी वीडियो का मैं बोल सकता हूँ कंटिन्यूटी में एक दूसरा पार्ट है जिसमें मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। तो आप लोग इस वीडियो को भी ज़रूर आखिरी तक देखें। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने स्कूटी को स्टार्ट कर लेना है सेल्फ स्टार्ट देके, और पॉइंट्स तो बहुत सारे वही रहेंगे जो मैंने आप लोगों को पहले बताया। जब भी आपने एक्सीलेटर देना है तो एक्सीलेटर स्टार्टिंग में बहुत हल्के से देना है, जैसे कि जो आप लोग देखना मैं कितने आराम आराम से दूंगा। और आज मैं कोई ऐसी खाली जगह पे आप लोगों को नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ पे हल्का फुल्का ट्रैफिक रहता ही है। तो आप लोगों ने एक्सीलेटर बहुत काफ़ी आराम से देना है स्टार्टिंग में, और हो सके तो अगर आप लोगों का बैलेंस नहीं बनता है तो आप लोग पैर नीचे रख सकते हैं। पैर नीचे रख के आप लोग बैलेंस करने की कोशिश करें और हल्के हल्के एक्सीलेटर दें और आगे बढ़ते रहें। जैसे मैं दे रहा हूँ अभी हल्के हल्के एक्सीलेटर दे रहा हूँ, और घबराना नहीं है अगल बगल से। और जैसे यहाँ पे अभी जहल का ट्रैफिक लगा हुआ है तो आप लोगों ने लेफ्ट ब्रेक लेना है। देखिए मैंने लेफ्ट ब्रेक ले लिया तो गाड़ी रुक गई है। तो आप लोगों ने हल्के हल्के एक्सीलेटर देते रहना है, जैसे कि मैं दे रहा हूँ अभी। आप लोग देख सकते हैं मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं दे रहा हूँ, 15, 16, 10, 20 ऐसी स्पीड में चल रहा हूँ। तो आप लोगों ने भी कुछ इसी तरीके से चलना है। और अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बारिश हो रही है, अभी थोड़ी देर रुकी है। मतलब मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की बट बना नहीं पा रहा था, बारिश हो रही थी। तो बहुत से लोगों के ऐसे भी डाउट थे कि हम लोग कंट्रोल कैसे करें, हमारा हैंडल इधर उधर भागता है, स्टार्टिंग में बैलेंस बनाने में दिक्कत आती है। तो आप लोगों का बैलेंस इसी तरीके से बनेगा, आप लोगों ने इसे हल्के हल्के प्रैक्टिस करनी है। हल्के हल्के एक्सीलेटर के साथ आप लोग रोड पर चलते रहें, और हो सके तो आप, अगर आप लोगों का बैलेंस बिल्कुल नहीं बनता है तो आप लोग पैर नीचे रख के कोशिश करें। क्या अगर आप लोग पैर नीचे रखेंगे तो आप लोगों को मतलब ऐसा डर नहीं लगेगा कि आप लोग एक साइड को गिर जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा हमें लगता है कि कहीं गाड़ी एक साइड को ना निकल जाए। तो इस वजह से आप लोगों ने पैर भी नीचे रख सकते हैं आप लोग स्टार्टिंग में। और आप लोग देख सकते हैं मैं आराम आराम से एक्सीलेटर देकर अपनी साइड चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर हल्का ब्रेकर भी है तो मैं लेफ्ट ब्रेक ले लूँगा। तो ये आप लोगों ने हल्के हल्के एक्सीलेटर देना है। देखिए आप लोग मेरे राइट हैंड को देखिए, धीरे धीरे आप लोगों ने एक्सीलेटर देना है। और किसी गाड़ी को मतलब आपने डरना नहीं है, मतलब कि जैसे कि आगे से गाड़ी आ रही है साइड से अगर कोई चल रहा है तो आप लोगों ने डरना नहीं है, सीधे सीधे चलना है। धीरे धीरे अपनी साइड चलते रहिए अपनी स्पीड में, हल्की हल्की स्पीड में, ज़्यादा तेज स्पीड ना करें, ऐसे ही चलते रहें। देखिए ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग जल्दी सीखेंगे। और हाँ गाइज, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप लोग कितनी भी वीडियो देख ले जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। जैसे कि बहुत से लोग वीडियोज़ में लिख देते हैं कि 5 मिनट में सीखिए, जैसे कि मैंने भी लिखा हुआ है थंबनेल पे, तो उससे कुछ गाइस मतलब आप ऐसे नहीं सीख सकते जब तक आप लोग खुद एक्चुअल उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और ऐसा करके आप लोग नहीं सीख पाएंगे, खुद ही सीखना पड़ेगा आप लोगों को। ऐसी रोज़ अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा ट्रैफिक में, अगर थोड़ा थोड़ा रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग इजीली सीख जाएंगे। देखिए कोई दिक्कत थोड़ा है, मैं आराम से 15-16 की स्पीड में चल रहा हूँ, और मेन रोड पर भी चल रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि खाली रोड पर चल रहा हूँ, और कुछ बिना डर के चल रहा हूँ। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जब जैसी अगर आप लोग को जैसे रुकना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर रुकना है अभी, तो आप लोग एक्सीलेटर डाउन करके लेफ्ट ब्रेक ले लिए। ये देखिए लेफ्ट ब्रेक ले लिया मैंने, गाड़ी रुक गई थी एकदम। स्टार्टिंग में कोशिश करें आप लोग लेफ्ट ब्रेक ही लेना, ज़्यादा इस्तेमाल करें लेफ्ट ब्रेक का यूज़ आप लोग ज़्यादा करें स्टार्टिंग में, क्योंकि फ्रंट ब्रेक जो होता है एकदम से, मतलब अगर आप लोग फ्रंट ब्रेक को एकदम से दबा देंगे तो ब्रेक एकदम से लग जाएगा और व्हील लॉक हो जाता है, तो जिससे गिरने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आप लोग पीछे का ब्रेक यूज़ करें मोस्टली स्टार्टिंग में। अब जैसे कि ये देख रहे हैं आप लोग कि आगे से भी गाड़ियाँ चल रही है, तो हल्का हल्का ब्रेक भी लेते हुए चले और एक्सीलेटर को कम दे। और जैसे कि अभी देखें हल्का ये डाउन स्लोप है, तो इसमें आप एक्सीलेटर ना देकर, मैं एक्सीलेटर नहीं भी दूंगा तो गाड़ी खुद निकल रही है। देखिए ये देखिए मैं एक्सीलेटर दे नहीं रहा हूँ तो गाड़ी खुद भी खुद निकल रही है अपने आप। तो आप लोगों ने भी ऐसी प्रैक्टिस करना है। तो देखिए अब हल्के ब्रेकर है तो लेफ्ट ब्रेक ले लीजिए, हल्का राइट भी ले सकते हैं। जैसे मेरे को तो आदत है दोनों लेने की तो मैं दोनों लेता हूँ, वैसे मैं मोस्टली फ्रंट ब्रेक ही ज़्यादा लेता हूँ, बट आप लोग ऐसे भी ले सकते हैं पीछे का ब्रेक को पूरा दबा देंगे तो गाड़ी फिर भी रुक जाती है। अगर आप लोग ज़्यादा स्पीड में हैं तब तो आप लोगों को फ्रंट ब्रेक लेना ही पड़ेगा, बट अगर आप लोग हल्की स्पीड में हैं तो आप लोग पीछे के ब्रेक से ही गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए मैं पीछे का ब्रेक लूँगा तो गाड़ी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी, ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए आज मैं आप लोगों को सिखाने के साथ साथ ये मैं ट्रैफिक में भी लेके आ गया हूँ, ट्रैफिक में भी आप लोग हल्की फुल्की प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों को। ये देखिए आप लेफ्ट ब्रेक ले लीजिए पूरा, देखिए और गाड़ी से थोड़ा दूर। तो इसी तरीके से आप लोगों ने हल्के हल्के एक्सीलेटर देके चलते रहना है। अगर आप स्टार्टिंग में भी बिगनर हैं तो अभी एकदम से ज़्यादा ट्रैफिक वाले एरिया पे भी ना निकले, थोड़ा ऐसे खाली रोड पे ही निकले। और मेन जो
बातें हैं, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि मेन है आप लोगों का डर। अगर आप लोगों को मैं डर होगा स्टार्टिंग से, अगर आप लोग डर के चलेंगे, मैं मानता हूँ डर होता है, बट अगर आप लोग ज़्यादा डरेंगे तो आप लोग सीख भी नहीं पाएंगे अच्छी तरीके से, तो आप लोगों को हमेशा डर ही लगेगा। तो इसलिए अपने डर को निकालें, उसके बाद गाड़ी चलाएं। और देखिए धीरे धीरे एक्सीलेटर देते रहिए, और रोकने के लिए गाइस वही है, देखिए आप लोगों ने एक्सीलेटर डाउन कर देना पूरा, और लेफ्ट ब्रेक ले लीजिए। देखिए राइट ब्रेक मैंने लिया भी नहीं, पूरे लेफ्ट ब्रेक से गाड़ी कंट्रोल हो चुकी है। और आगे बढ़ने के लिए फिर ऐसे एक्सीलेटर दीजिए, आराम से एक्सीलेटर दीजिए। और आप लोग पैर भी नीचे रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों ने पैर को घसीटते हुए आना है, थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए पैर को आप हवा में रखिए और आगे आगे चलते रहिए, तो जिससे बैलेंस भी बनेगा आपका। ये देखिए अब जैसे ये गाड़ी आ रही है आगे से, तो देखिए मैंने लेफ्ट ब्रेक भी ले लिया हल्का, और हल्का राइट भी ले लिया था, मैंने फ्रंट ब्रेक भी ले लिया था, जिससे कि मैं कंट्रोल कर सकूँ गाड़ी को इजीली। अगर एमरजेंसी में हमें ब्रेक लेना पड़ता है तो फ्रंट ब्रेक तो हमें मारने पड़ते ही हैं। अभी देखिए जैसे इस भाई ने एकदम उससे ब्रेक मारे, तो फ्रंट ब्रेक ऐसे में मस्त होते हैं। अब ये देखिए जैसे थोड़ा ये अब देख सकते हैं डाउन है, थोड़ा स्लोप में है, तो अगर अब मैं एक्सीलेटर नहीं दूंगा ना तब भी ये गाड़ी चलेगी नीचे को, देखिए आप लोग देख सकते हो। और कभी भी आप लोग स्लोप में हो तो ज़्यादा एक्सीलेटर ना दे, और ये अगल बगल वाले जो आपको हॉर्न देंगे ना, आप इससे भी डिस्टर्ब ना हो, अपने साइड चलते रहें, क्योंकि स्टार्टिंग में रहता ही हो कि हॉर्न मारता है तो आपको लगता है कि कहीं आपको ठोक ना दे वो ना दे, तो आप लोग ऐसे भी घबराए नहीं और अपनी साइड चलते रहें, जैसे भी मैं चल रहा हूँ, आप लोग चलते रहें अपनी साइड धीरे धीरे धीरे। अब देखो थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, जैसे ये देखिए अब मैं थोड़ा धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहा हूँ, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रही है गाड़ी। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, और रोकने के लिए हमेशा वही है एक्सीलेटर डाउन थोड़ा, फिर आप लोगों ने ब्रेक ले देना है। और ये चीज़ आप लोगों ने नोटिस करी, मैंने ब्रेक वहाँ से अप्लाई किया है और यहाँ आकर रुक रहा हूँ, तो ये होता है पीछे के ब्रेक से। अगर आप लोगों को एकदम कहीं पर रुकना होता है तो दोनों ब्रेक साथ में लेना पड़ता है, पीछे के ब्रेक से मतलब अगर आप हल्की स्पीड में हैं तो आप पीछे का ब्रेक ले लीजिए तो आराम से रुक जाएंगे, बट अगर आप लोग थोड़ा हाई स्पीड में हैं तो आप लोगों को दोनों ब्रेक साथ में लेने पड़ेंगे, तभी आप लोगों को एक ही जगह पर, जैसे मैं अब यहाँ पे मारूंगा ब्रेक तो मेरे को यहीं पर रुकना है, ये देखिए तो मैंने आगे का पीछे का दोनों बैलेंस बना के दोनों ब्रेक मारे और मैं एक ही जगह पर रुक जाऊँ, बट अगर मैं पीछे का ब्रेक लेता सिर्फ तो मेरी गाड़ी थोड़ा आगे यहाँ पर रुकती, थोड़ा आगे आकर रुकती। तो आप लोगों ने दोनों ब्रेक साथ में लेने हैं अगर आप लोगों को कभी स्पीड में है और रुकना है, मतलब कि जैसे आप लोग एक ही पॉइंट पर रुकना है कि आप लोगों को यहीं पर रुकना है एकदम से, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है, तो आप लोगों को दोनों ब्रेक साथ में अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर एक पीछे का ब्रेक लूँगा तो देखिए गाड़ी थोड़ा आगे जाकर रुकी है, देखिए मैंने अप्लाई तो किया बट गाड़ी यहाँ पर रुकी है, ये डिफरेंस होता है ब्रेक्स में, क्योंकि आप लोगों को जैसे जैसे आप लोग चलाएंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा डिफरेंस ब्रेक का भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ एक्सपीरियंस के साथ ही आती है, स्टार्टिंग में फ्रेशर ही होता है हर चीज़ में, तो आप लोग जैसे सीखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा और सीख जाएंगे जल्दी। और कभी भी आप लोग जैसे कि आप लोगों ने टर्न्स लेने हैं तो आप लोग इंडिकेटर का यूज़ करें, जैसे कि लेफ्ट को तो लेफ्ट वाला इंडिकेटर, राइट को राइट वाला। और जैसे कि अगर आप लोगों ने कभी कहीं रुकना भी होता है ना, तो जैसे कि आप यहीं पर किनारे में रुक रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर जैसे लेफ्ट इंडिकेटर दे के यहाँ पर रुक सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत से लोग रॉन्ग साइड से ओवरटेक करते हैं, जैसे ओवरटेक तो हमें राइट साइड से करना चाहिए बहुत से लोग, बट लेफ्ट से भी कर देते हैं, रॉन्ग साइड से भी चलते हैं बहुत से लोग, तो ऐसे में एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मतलब कि ये काफ़ी मैंने एक बड़ी वीडियो नहीं बनाई, एक शॉर्ट ही वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि आप लोगों ने कैसे चलाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोग रख सकते हैं। और अगर आप लोगों को डिटेल में जानना हो तो मैंने एक वीडियो और बनाई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। हाँ तो गाइस अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो, आप लोग अगर आप लोगों की कुछ भी हेल्प हुई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके जो लोग अभी नए नए स्कूटी चलाने सीख रहे हैं। तो चलिए ठीक है गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।